या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 550। मोहम्मद अल मुस्तफा या आल मोहम्मद अल मुस्तफा या कयामत। साहिब मेरा एक जो मेरा लंबा, साहिब मेरा एक जो मेरा लंबा, अमृत नाम कहीं होंगे, अमृत नाम लेंगे, सच कहेंगे, ए हक लेंगे, वे मेरे भाई वे। पंजाबी की नान है, आपने शायद सुना नहीं होगा, बड़ी मीठी जबान के अंदर पीर फरमाते हैं कि जो मेरा मौला है वो निराला है। निराला कहते हैं कि जिसको कोई परवाह ना हो। निराला उसको कहते हैं कि जिसको किसी भी चीज से ताल्लुक और संबंध नहीं होए, यानी कि मोहताज नहीं, कोई चीज की हाजत नहीं, कोई चीज से मजबूर नहीं, वो मालिक है। और अरबी जबान के अंदर इसका नाम है समद। हम सुबह तस्बीह निकालते हैं अल्लाहु समद, यानी अल्लाह जो है वो बेनियाज है, वो निराला है। मगर तुम उसका नाम लो जो अमरत है। अमरत कहते हैं जो चीज पॉइजन को दूर करे उसको अमरत कहते हैं। पॉइजन को, खराबी को, गंदगी को दूर करे वो अमृत है। और मौला का जो नाम है वो इंसान के मन की गंदगी को दूर करता है। मौला के नाम से दिल की पॉइजन दूर होती है, नई जिंदगी मिलती है, बीमारी दफा होती है, मौत से बचाने वाली जो दवा है उसको अमृत कहते हैं। इसको हमारे जिनानों में बहुत से तरीके से बयान किया गया है, इसको रसायन भी कहते हैं। हालांकि रसायन वो कीमिया है कि अगर तांबे को मेल्ट करके एक चुटकी जितनी खाक उसमें डाल दो तो वो सोना बन जाए, उसको रसायन कहते हैं। और हमारे पीरों ने मौला के नाम को रसायन भी कहा है कि हमारा जो अंतकरण है, हमारी जिंदगी लोहे और तांबे की तरह है जिसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन कभी वो रसायन एक चुटकी डाल दो, वो चुटकी उसकी मोहब्बत की है, तो तुम सोना बन जाओगे, तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। अमृत नाम लेंगे, ए सच कहेंगे, मौला का नाम लो और सच कहो। तो फिर कहते हैं ए हक लेंगे, तो तुम्हारा जो हक तुम्हारी मेहनत का होगा वो तुमको मिलेगा, वे मेरे भाई वे मेरे भाई। ये दो चीजें याद रखो। एक और जिनान में इसके लफ्ज एक दूसरे से मिलते नहीं लेकिन भावना मिलती है। फिर कहते हैं कि एक आदमी है, उसको तुम बहुत सुनाओ, सुनता है मगर मानता नहीं। तो उस आदमी का हाल ऐसा है कि जैसे एक आदमी का धड़ तो है मगर गर्दन कट जाए तो सिर बगैर का ये धड़ किस काम का। भणे सुने ने बूझे ऐसा, अकलमंद है, खाता पीता है, काम धंधा करता है, लोगों को लूटता है, बड़ा होशियार है। और होशियार उसी को कहते हैं कि जो दूसरे को फरेब दे सके। आज की जबान में भने है, सुनता है और बूझता भी है, लेकिन भेद न जाने कैसा है जी। भले सुने
ने बुझे ऐसा भेद न जाने कैसा दिन कल में जो नमाज गुजारे फिर बिना धड़ कैसा कलमे को न पढ़ो और नमाज पढ़ो उसमें अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की शहादत कायम करने की हमारे दिल के अंदर के खुदा मौजूद है ये ईमान नहीं और वह अशहदु अन मुहम्मदन रसूलुल्लाह और मोहम्मद की रसालत को न माने वह अशहदु अन अलीयुन अमीरुल मोमिनीन अलीउल्लाह और अली अलैहिस्सलाम को अपना इमाम न माने तो उसकी नमाज जो है वो रद्द है। उसका हाल ऐसा है कि सिर के बगैर धड़ जो कोई काम का नहीं वो तो मुर्दा है। इनका कहना यह है सजदे करो सब कुछ करो मगर ईमान नहीं तो कुछ नहीं। अपना ईमान ठीक होना चाहिए अपना ईमान दुरुस्त करो और हक से चलो सच्चाई को अख्तियार करो उस अमृत नाम का रटन करो सारा दिन। हजरत इमाम फरमाते हैं सारा दिन किसी न किसी तरीके से हमारा नाम लेते रहो कोई भी नाम लो मौला कहते हैं अल्लाह अल्लाह करो या अली करो या मोहम्मद करो। इतने हमारे इमाम हुए मौला फरमाया किसी इमाम का नाम याद करो। 1986 के अंदर जब इमाम बाप टेस्ट के अंदर आए तो ये दो तीन जगह मौला ने यह फरमान किया कि सारा दिन किसी न किसी तरीके से खुदा के साथ अपनी लौ लगा के रखो उसका नाम लेते रहो वो अमृत है वो अमृत है। अंदर की पॉइजन दूर करेगा। ये पॉइजन सिर्फ यही नहीं कि हमारे दिल की कदूरतें वैर विरोध हसद वगैरह बल्कि पॉइजन बहुत सी किस्म की है। हमारे अंदर अभिमान है हमारे अंदर स्वार्थव्रति है हमारे अंदर लालच है हमारे अंदर और भी हमारे आमाल की बदियां बुराइयां हैं। मौला को कोई परवाह नहीं। कभी हजर इमाम कहे कि तुम ये पानी मत पियो तो वो पानी नहीं पीना चाहिए उसमें कुछ है जो हमें मालूम नहीं मगर वो जानता है कि ये पानी पीने से तुम्हें नुकसान होगा लेकिन ये समझ से कि ये पानी तो पानी जैसा है मगर उसके मुख मुबारक से अगर निकल गया कि तुम ये काम न करो तो वो काम खराब है। बहुत मालदार आदमी था। बहुत बरस पहले मैंने ये साजिशी जमा खाने के अंदर 8-10 साल पहले मैंने ये बात का जिक्र किया था आज मुझे फिर याद आ गया। बस दफा पुरानी पुरानी बातें याद आती है तो कुछ न कुछ सीखना मिलता है। बॉम्बे के दरखाना जमात खाने के सामने आज भी एक 4 माले की बिल्डिंग खड़ी है और उसी आदमी के नाम से खड़ी है। ये आदमी बहुत बड़ा व्यापारी था रुई का कॉटन का व्यापार करता था उसमें सक्का भी होता था। सक्का यानी आदमी लगाते हैं ना सर्कुलेशन करते हैं मालदार शख्स था वगदार आदमी था इन्फ्लुएंसर था और उसको अपनी इस बात का प्राइड भी था। उसकी मेहमानी में मौला उसको कहते हैं कि तुम ये बिजनेस बंद करो। बस सर झुका दिया मगर घर जाके इसको ये ख्याल आया हजर इमाम दुनिया भर में छोटा है और इसने कभी व्यापार किया नहीं इसको क्या पता। अब इसी इमाम की बयत की है इसी इमाम को मेहमानी खिलाई है इसी इमाम का नाम लेके जमात खाने जाता है दुआ पढ़ता है मगर इसके दिल के अंदर भने सुने लेकिन बूझा नहीं उसका भेद नहीं पाया तो उसकी हालत ऐसी हो गई कि सिर बगैर का एक धड़ बाकी रह गया। उसी दिन जिस दिन इसकी मेहमानी थी उसी दिन किसी और 2-4 मेहमानियां छोड़ के किसी और शख्स की एक मेहमानी थी तो मौला पूछते हैं क्या बिजनेस करते हो। खुदावन कॉटन का व्यापार है। सच्चा करते हो। खुदावन सच्चा नहीं करता मैं खरीद के बेचता हूँ। मौला फरमाया खूब काम करो दोनों का व्यापार एक है दोनों कॉटन के व्यापारी हैं। एक को कहता है तुम खूब काम करो एक को कहा तुम काम बंद करो
और जिसने फरमान माना यानी उसने खूब अपना बिजनेस बढ़ाया, आगे बढ़ गया, इसको ऐसा हुआ कि मौला तो दुनिया भानी छोड़ते हैं, इसको व्यापार का क्या पता, इसने व्यापार बंद नहीं किया, 6-8 महीने के अंदर दिवाला फूंका, ऐसी खराब हालत हो गई, माल मिलकर दर दागी में बिक गए और खाने की तकलीफ पड़ गई, शर्म के मारे बाहर ना निकले। मैंने अपनी आंखों से इसको देखा है, चाइना सिल्क का सूट पहना है लेकिन उसको धोने के लिए साबुन के पैसे नहीं। बरस डेढ़ बरस के बाद मौला वापस आए, अब इसकी ये ताकत नहीं थी कि मेहमानी रख सके, किसी और की मेहमानी में बैठा था, पीछे मुंह झुका के मौला ऐसा ऐसा करके उसको देखा, उसका नाम लिया जाफर, आंख उठाई, नजदीक बुलाया, आंखों में आंसू आए, सब अपने दोनों हाथ अपने जानों के ऊपर ऐसा थाई से ऊपर मार के सब कहते हैं, आप तो जाफर हम तुमको नहीं बोला बिजनेस बंद करो, हाँ खुदा जाफर हम तुमको नहीं बोला बिजनेस बंद करो, हाँ खुदा जाफर उसका कोट पकड़ के साथ, यानी माँ बाप को इतना दुख लगता था कि मेरा बच्चा दुखी हो गया मेरी नाफरमानी करके, मैंने तुझे कहा ना कि आग में हाथ मत डालना, फिर भी तुमने आग में हाथ डाला, अब तू जल गया है तो मुझे दुख होता है, ऐसी बात बनी। अब मौला क्या करे, सारी जिंदगी चलो फिर तो बच्चे बड़े हो गए, मगर वो जाहो जलाली, वो दबदबा, वो इंसान के मुंह के ऊपर रौनक और बड़ाई और स्वार्थ और प्राइड पंप निकल गया, ये हाल ऐसा बन गया कि सिर बिना धड़ कैसा। दिनदारों मैं आपसे अर्ज करता हूं, मेरा काम यह है कि मैं जमातों को या व्यक्तिगत भाई बहनों को मैं मजहब सिखाऊं, मेरी जिंदगी इसी में गई है और बाकी भी जो है वो मौला इसी में ही गुजारे, मुझे तौफीक दे रहे। मैं आपको ये पूछता हूं कि आपने कभी बैठ के अपने ईमान को तपाश किया कि मेरे ईमान का टेम्परेचर कितना है। बहुत से लोग हैं वो अपनी पल्स देखते हैं कि जवान आदमी है तो 76-78 उसकी पल्स होनी चाहिए, और अगर बहुत फास्ट चल रही है तो 5-10 ऊपर नीचे कोई बात नहीं, लेकिन 100 के ऊपर जा रही है तो डेंजरस है, और कभी वो 70-60 से भी नीचे आ रही है तो भी खराब है। बूढ़ा आदमी है 60-65 बरस का, उसकी पल्स है सुबह के वक्त 55-60 होती है और खाना पीना खावे तो 65 तक जाती है, अपनी पल्स देखते रहना चाहिए। इसी तरह से अगर इंसान को ऐसा लगता है मेरा बदन गर्म हो गया तो थर्मोमीटर लेके वो देखता है मेरा टेम्परेचर कितना है। आपने अपने मन में कभी सोचा मेरा ईमान कैसा है? चेक पर ग्रांस मत लो, अपने ईमान की तपास करनी चाहिए, कारण के हमको जवाब देना है, हमें मरना है और मरते वक्त हमें हिसाब देना पड़ेगा। क्या हम इस शाह करीम अल हुसैनी को अपना 49वां इमाम मानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं। क्या हम इस्माइली मजहब के अंदर इमाम का जो दर्जा है हम वो मानते हैं कि उसको खाली इमाम मानते हो? इस्माइली मजहब जो है वो इस्लाम है, शरीयत तक रहो तो हजर इमाम हमारा एक मुर्शिद है, लेकिन इस्माइली तरीका जो है उसका नाम ही तरीका है, उसका मतलब ये है कि हम शरीयत से ऊपर हैं, हमने शरीयत छोड़ नहीं दी, लेकिन हमारे लिए शरीयत के बहुत से बंधन की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है कि हमने एक मुर्शिद मान लिया है और उस मुर्शिद की वजह से हमको बहुत सी शरीयत की चीजें जो है वो एग्जेम्प्ट है। मैं ये बात सिर्फ अपने ही जमात खानों के अंदर करता हूँ दीनदारों, ये बात नहीं, मौला के फजल व करम से मैं ऐसी बातें कि हम इस्माइली बहुत सी शरीयत के बंधन से एग्जेम्प्ट हैं
मैंने अपने मुसलमान भाइयों की मस्जिदों में जाकर कही हुई हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आम पब्लिक के अंदर हजारों मुसलमानों के दरमियान वहां भी ये बातें कही हैं कि हम इस्माइली कौन हैं, और हमें हर इस्माइली बच्चे को ये चीजें समझनी चाहिए। अब वो जमाना बहुत नजदीक आ रहा है, शुरू हो चुका है कि हमको मुसलमानों के साथ ज्यादा से ज्यादा मिलना पड़ेगा, जरूर मिलना पड़ेगा। और उस मिलने की वजह यह है कि मौलाना हजर इमाम को इस्लाम की ये जो बोट है ये बहुत कीचड़ और मड और किनारे में फंस गई है, इसको निकालना है। और मौला इस्लाम की लीडरशिप लेने के लिए तब हाथ डालेगा कि जब हम उसके ऊपर बोझ रूप न बने। मौला के ऊपर बोझ रूप ये है कि हम मुसलमानों के साथ मिल न सकें। मुसलमान हमको मुसलमान न समझे, ये मौला के लिए बोझ, ये मौला को दुख लगता है कि मुसलमान हमको मुसलमान न समझे। क्यों? जाओ उसको पूछो कि भी तुम हमको मुसलमान क्यों नहीं समझते, तो पहले कहेंगे तुम लोग नमाज नहीं पढ़ते। तो अपने दिल से पूछो क्या मैं नमाज नहीं पढ़ता? अरे हम जितनी नमाज पढ़ते हैं मुसलमान नहीं पढ़ते। हमारे जमात खानों के अंदर हमारी बस्ती का प्रमाण अगर रेशो निकालो तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया के इस्लाम को इकट्ठा करके उनकी रेशो निकालो तो हमारी रेशो ज्यादा है। हमारे साथ 6 बरस के बच्चे जो हैं वो नमाज पढ़ते हैं, और उन लोगों के अंदर 25-30 बरस के आदमी हैं उनको नमाज नहीं आती। उनको कहो हम बराबर नमाज पढ़ते हैं, मगर तुम जिस तरह से पढ़ते हो हम उस तरह नहीं पढ़ते, मगर पढ़ते हैं। नमाज का मकसद क्या है? अरबी जबान के अंदर नमाज लफ्ज नहीं है, कुरान शरीफ के अंदर उसका नाम है सलात, और सलात कहते हैं दुआ मांगने को, और हम दुआ मांगते हैं, हम दुआ पढ़ते हैं। ऐ खुदाया तू रब्बुल आलमीन है, तेरे बगैर मैं और किसी को सजदा करता ही नहीं, मैं तेरे ऊपर ही आधार रखता हूँ, किसी और पे नहीं, क्या ये नमाज नहीं? आप उसको सूरतुल हम्द पढ़ के सुनाओ, उसको पूछो क्या ये नमाज नहीं? आपके दिल में अपने मजहब की जान पहचान होनी चाहिए। अगर आपके खीसे में $100 हैं और कोई चीज आपको 75-80 डॉलर की खरीदनी है तो आपको इस बात की ताकत है कि मेरे पास पैसे हैं, लेकिन आपको एक चीज के ऊपर मन आया है $10 की है और आपके खीसे के अंदर $8 हैं तो आप वो चीज नहीं खरीद सकते। अपना मजहब जानना चाहिए, अपने मजहब का इल्म होना चाहिए। और इसलिए कि हम मुसलमान हैं और सच्चे मुसलमान हैं, उनको कह दो हम शरीयत से ऊंचे हैं, शरीयत की बहुत सी चीजें हम तो एग्जेम्प्ट हैं, क्योंकि हमारे पास एक मुर्शिद है जो तुम्हारे पास नहीं। वो कहेंगे रसूलुल्लाह के बगैर हमें और किसी मुर्शिद की जरूरत नहीं। बिल्कुल कबूल है, मेरे को कोई दुख आ जाए, मुझे कोई सवाल आ जाए तो मैं रसूलुल्लाह को कहां ढूंढूं? आज का ही एक सवाल है कि आज इस दुनिया में जहां हम रहते हैं कई लोग अपना हाथ किसी को देते हैं, कोई किडनी किसी को देता है, कोई आंख किसी को देता है। अच्छा निकालो तो रसूलुल्लाह क्या कहते हैं इस बाबत में? हदीस में मिलता नहीं है तो मेरे ऊपर मुर्शिद होवे तो मेरा मुर्शिद कहे हाँ दे सकते हो या नहीं दे सकते। तुम्हारे पास कहाँ है? किस मौलवी ने तुमको इस बात के लिए कोई इजाजत दी है? आप उसका मुंह बंद कर सकते हो। दूसरा सवाल यह होता है कि तुम रोजे नहीं रखते, हमारी भी कुछ भूलें हैं तो सही है, और वो ये है कि रमजान महीने के अंदर हम उनके सामने खाना खाते हैं, ये जाहिर करने के लिए बच्चों तुम रोजे रखो हम खाते हैं। हमारा ये एटीट्यूड बराबर नहीं। रसूल अकरम एक दिन बीबी फातिमा के घर गए, माता फातिमा ने अपनी सहेलियां इकट्ठी की थी, कुछ खाना पीना चल रहा था। नबी करीम जब अंदर आए तो सब खड़ी हो गई, रसूल बैठे, उनको कुछ नसीहतें की। रसूल अकरम देखते रहे कि इन भाइयों में एक औरत थी जिसका छोटा बच्चा था 6-8 महीने का, और वो उस वक्त तूफान पे चढ़ा था, हंस रहा था, माँ की कान पकड़ता था, मुंह पकड़ता था, वो उससे खेल रही थी, और एक और दूसरी औरत ऐसा तनंखी से यानी एस्कांस करके उसको देखती थी। रसूल अकरम औरत समझ गए, वो जो औरत तेरी आंख से देखती थी उसको बच्चा नहीं था, वांझनी थी, वो ड्राई थी,
और उसको औलाद का बहुत शौक था, और जिसका बच्चा था वो उसको देखकर उसके दिल में जलापा उठता था। रसूल अकरम आयशा से फरमाते हैं कि अपनी औलाद से प्रेम करो, लेकिन गैरों के सामने प्रेम की जरूरत नहीं, यानी तू प्रेम करती है उसका दिल जलता है। आप किसी भूखे आदमी के सामने खाना खा रहे हो तो उसके कलेजे से धुआं निकलता है, हालांकि वो नहीं जानता कि उसको उसकी सजा उसके कर्म की अमाल की है। खुदा ने उसका रिजक बंद किया है इसलिए कि उसके बद अमाल है, और तुमको खुदा ने किसी दुआ की वजह से, किसी आदमी की आशीष की वजह से, किसी के तुमने कुछ अच्छा काम किया है तो खुदा ने तुम्हें रिजक दिया है, तो उस भूखे आदमी के सामने तुम चप चप खा रहे हो, खुदा को ये आदत भी पसंद नहीं है, हो सकता है तुम्हारा रिजक खुदा बंद कर दे रहे। तो हमारी ये आदत कि हम जब रमजान महीना आता है और उनके सामने हम लोग खाते हैं, या बाज आदमी कह देते हैं हम इस्माइली हैं, हमको मालिक ने कहा रोजे नहीं रखो। किसने कहा रोजे नहीं रखो? कौन से इमाम ने मना किया? अरे इमाम तो फरमाते हैं कि तुम रोजा रखो, लेकिन खाली 30 ही दिन के रोजे नहीं, 365 दिन के करो। हर रोज तुम्हारा रोजा होना चाहिए, और हर रोज रोजा ये है कि तुम नेक आमाल करो, तुम्हारे ख्याल बदियों की तरफ, गुनाहों की तरफ, ऐश की तरफ, वाइसिस की तरफ नहीं जाने चाहिए, और ये सच्चा रोजा है। हम यूं तो खाना खाते हैं, कहते हैं हमने, हमारे इमाम ने कहा है अंतर का रोजा रखो, मगर रखो तो सही। अंतर का रोजा रखने वाले जो आबिद होते हैं, नेक होते हैं, परहेजदार होते हैं, दीनदारों, वो दुनिया के अंदर ऐश आराम की जिंदगी को पसंद नहीं करते। हमारा खाना पीना वो भी मजहब के अंदर कंट्रोल में रहना चाहिए। तो मुसलमानों के साथ हमें इस्लाम का फॉलोअर बन के चलना चाहिए। हम उनको आराम से अगर समझाने तो उनमें मोस्टली ऐसे हैं इलम वाले, वो समझते हैं, लेकिन उन लोगों के अंदर जो जाहिल हैं उनके साथ डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं। मगर अपने आप को इस्लाम की भावना में लेके आओ। इस्लाम की भावना में यही नहीं है कि तुम दाढ़ी रखो और मूछे मुंडा दो, ये जो शरीयती लोग करते हैं। इस्लाम की भावना यह नहीं है कि तुम लोगों के सामने नमाज पढ़ लो। इस्लाम की भावना यह नहीं है कि तुम लोगों के सामने दिखाने के लिए रोजे रख लो। पाकिस्तान इस्लामी देश है ना, 80% पाकिस्तानी रोजा नहीं रखते, मगर लोगों के सामने खाते नहीं, और हम उनको सामने कह देते हैं। इसलिए हमारा एटीट्यूड बदलना चाहिए, हमें अच्छा सच्चा मुसलमान बनना चाहिए। आप उनको कहो हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोजे रखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम वैसे रोजे रखते हैं और हमें रखने भी चाहिए। रमजान महीना आवे तो जितना बन सके उतने रोजे रखो, और रोजे अच्छे हैं बदन के लिए भी, ब्रेन के लिए भी, रूह के लिए भी। रोजा रखने से बहुत से फायदे होते हैं। आदमी का मिजाज जो है ना वो उसके कंट्रोल में आ जाता है। रोजा रखने से इंसान की नजर साफ होती है, बदनजरी नहीं होती, उसको शावत और शक नहीं रहता। ये बहुत सी बुराइयां बदियां निकल जाती हैं। और हर नबी को खुदा ताला ने जब नबुवत जाहिर करने का हुक्म अता किया तो उसके 30 या 40 दिन पहले उस नबी ने रोजे रखे। और नबियों का रोजा ये था कि वो 30 या 40 दिन तक, रसूल अकरम ने 30 दिन रखे, मूसा नबी ने 40 दिन रखे, और ईसा नबी ने भी 30 दिन रखे। तमाम नबियों की हिस्ट्री देख लो, उन्होंने 30-30, 40-40 रोजे रखे, और ये 30 दिन या 40 दिन ना उन्होंने खाया, ना पिया, ना नींद की, इबादत में मशगूल रहे। हमको भी बरस में ऐसा फर्ज के तौर पे 2 रोजे रखने का हुक्म है, जिसको हम शुक्रवारी बीज कहते हैं। ये शुक्रवारी बीज जो होती है ये खुदा ताला की शुक्र गुजारी के अंदर है, और इस्लाम के अंदर भी जो अल्लाह ने हुक्म किया है कि तुम रमजान महीने के 30 रोजे रखो, वो भी हकीकत में इस्लाम दीन मिला है उसकी शुक्र गुजारी के लिए है। जितना बन सके रखो। अगर सारे रमजान में सब रोजे नहीं रख सकते तो दीनदारों हमारे पीर को याद करो, इमाम ने उसमें बहुत सी सहूलत पैदा कर दी है। असल हमारा मजहब जो है इस्माइली तरीका वो ये है कि हर थर्सडे को, एवरी वीक, बरस में 52 वीक्स आते हैं, हम इस्माइलियों के ऊपर 52 रोजे ये और 2 रोजे हमारी शुक्रवारी बीच के, हमारे ऊपर 54 रोजे फर्ज थे।
फीस नहीं, कहां आज कोई जिनान पढ़ने वाला है नहीं, जिनान को देखने वाला कोई नहीं, बल्कि जिनान के दुश्मन पैदा हो गए कि ये जिनान निकाल डालो, और जिनान तो खाली हिंदुओं के लिए थे, हालांकि जिनान के अंदर जितना इस्लाम है उतना इस्लाम दूसरों को तो पता भी नहीं है। तीर समस माँ बाप ने कि सदगुरु नूर के बाद भी समस आए, इन्होंने 84 जमात खाने बनाए, और वो जमात खाने भी तिब्बत और चाइना के अंदर 84 बनाए, और जो हिंदुस्तान में बनाए वो और थे, बांग्लादेश के अंदर सबसे बड़ा जमात खाना बनाया जिसका आज नाम ढाका है, इसी का नाम वो जमाने में बांग्लादेश गांव का भी नाम था, जैसे कि कुवैत सिटी भी है, कुवैत कंट्री भी है, इस तरह से बांग्लादेश ढाका का नाम था बंगला, और देश का सारा नाम बांग्लादेश, जिनान के अंदर बांग्लादेश का नाम जिक्र किया गया है, और तीर समस ने वहाँ उस जमाने का सबसे बड़ा जमात खाना बनाया और मुखी अपॉइंट किया, और मुखी के साथ एक स्थानक जिसका नाम वस्ता लिखा गया चौपड़ी में, फिर ने उसको भी मुकर्रर किया कि वो केयर टेकर के तौर पे जमात खाने का 24 घंटे ध्यान रखे। तो तीर समस ने 12 पहर व्रत का हुक्म दिया, व्रत यानी रोजा, जुमे रात यानी थर्सडे सुबह नियाज की से हमारा रोजा चालू हो रहे, सारा थर्सडे निकल जाए और शाम को नियाज की से थोड़ा पानी पीने की रजा, बस फिर रोजा चालू, कुछ खाने की रजा नहीं, पानी के सिवा और कोई दूसरी चीज पीने की रजा नहीं, शाम को नियाज की से और पानी पी के फिर रोजा चालू। सारी थर्सडे नाइट बीत गई और सारा सुबह के वक्त फ्राइडे को वापस नियाज की के थोड़ा पानी पीने की अगर जरूरत हो गई तो रजा थी, और सारा शुक्रवार निकलते, शुक्रवार की शाम को वो अपना व्रत अपना रोजा तोड़े, तो ये 36 आवर्स होते हैं। ऐसा हर वीक करने का हुक्म था। एवरी वीक इस्माइली मजहब जो है वो दूसरों से ज्यादा मुश्किल है, मैंने अपनी आंख से देखा है। मेरी फैमिली की नानियां दादियां बूढ़ियां 12 पौर का रोजा रखती थी एवरी थर्सडे। मैं आज से 60-70 वर्ष पहले की यादी कर रहा हूं। आज शायद इधर कोई ऐसी बाई नजर नहीं आती कि जो 90 या 100 वर्ष के करीब की हो, शायद होगी, मौला उसको सलामत रखे, मुमकिन है उसको ये चीज याद है कि नहीं, लेकिन आगा अली शाह माँ बाप के जमाने तक लोग सारे ये व्रत रखते थे। मौलाना अली शाह माँ बाप ने अपने पीरी जौमे के लिहाज से जमात को कहा कि अच्छा आज से तुम 12 पौरी नहीं 4 पौरी रोजा बना दिया। फिर भी किसी ने अर्ज की कि खुदावन अगर हमको रखना हो तो फरमाया रजा है, लेकिन तुम गुनाह में से निकल गए, यानी अगर तुम 12 पौरी नहीं रखो तो तुम्हारे ऊपर पीर का भार नहीं, 4 पौरी का हुक्म कर दिया, और वो 4 पौरी इस तरह से कि एवरी फ्राइडे सुबह नियाज की के रोजा का रखो और शाम को नियाज की के रोजा खोल डालो, तो ये 52 डेज हो जाते हैं बरस के अंदर रोजे के एवरी फ्राइडे। मेरे पास बहुत से लोग जब कुछ अपनी तबीयत वगैरह की बातें जब करते हैं तो उनको मैं कहता हूँ कि तुम हर फ्राइडे को सिर्फ पानी पियो, अगर वो भी बंद कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा है, रोजा रखो, कोई चीज खाओ पियो नहीं। कभी स्टार्टिंग करनी है आप करके देखो, 6 महीने आपकी रूह को कितना फायदा होता है, पहले फायदा शरीर को होगा, फिर ब्रेन को होगा, उसके बाद रूह को उसका फायदा पहुंचेगा। एवरी फ्राइडे आप कुछ पकी हुई चीज ना खाओ, कोई चीज ना, चूल्हे के ऊपर गर्म की हुई चीज नहीं चाहिए, चाय भी नहीं चाहिए, गर्म किया हुआ दूध भी नहीं चाहिए, लेकिन लिक्विड पियो, लिक्विड जूस पियो, फ्रूट का रस पियो, दूध पियो, छाछ पियो, खाना कुछ नहीं, और चूल्हे के गर्म की हुई चीज नहीं खानी चाहिए, करके देखो, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं। लेकिन जब ये आदत बन जावे और हर फ्राइडे को जो रोजा रखो तो ये चीज रूहानियत के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये मैंने बीच में बात निकाली, हमारे मजहब ने हमको रोजे से मुक्त नहीं किया, उनके लिए शरीयतियों के लिए तो 30 रोजे हैं, हमारे लिए तो 54 रोजे हैं, 54 रोजे, 52 समझ लो, क्योंकि 2 शुक्रवारी बीच भी शुक्रवार को ही आती हैं, इंक्लूड हो जाती हैं, 52 रोजे हमको हुक्म किया गया है। ऐसा किसी को नहीं कहो हमारे इमाम ने हमको रोजा रखने का मना किया है, और अगर कोई ऐसा कहता है मुझको फरमान दिखाओ, अपनी मतलब निकालने की बात मत करो। सदींदारो, हमारा इस्माइली मजहब जो है ये इस्लाम का एसेंस,
मैं अर्ज यह करता था कि इस्माइली मजहब में हमारा ईमान यह है कि वो खुदा जिसने जमीन आसमान बनाया वो नूर है, उसका कोई शरीर नहीं। वो नूर उतरते उतरते हजरत आदम से लेकर हजरत इमाम तक ये इमामों की वंशावली में रहा। हम उस नूर को मानते हैं, हम उस नूर की इबादत करते हैं, उस नूर को सजदा करते हैं, उस नूर को याद करते हैं, उस नूर के अंदर मगन और मस्त है। हमारा मजहब जो है इस्माइली तरीका हजरत इमाम के नूर की इबादत करता है और यही अल्लाह की इबादत है। अल्लाह की गालिब एक बहुत बड़ा कवि हुआ दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान, अफगानिस्तान के मुसलमान, ईरान के मुसलमान और मिडल ईस्ट में और भी बहुत से हैं जो गालिब शायर को बहुत इज्जत की नजर से देखते हैं। गालिब बहुत से लोग समझते हैं वो सुन्नी था, बहुतों ने कहा कि वो शिया था। गालिब कहता है कि मैं अली का नाम लेता हूँ, बूतराब की मैं बंदगी करता हूँ, तो उसका मतलब यह है कि मैं हक के साथ मिला हुआ हूँ, हक यानी अल्लाह। अली की बंदगी करता हूँ वो कहता है, और यही इबादत है मेरी। अली जो है वो अली शरीर में कि जिसने खैबर का किला तोड़ा अपनी कुव्वत और ताकत से, हम उसके शरीर की इबादत नहीं करते। हमारे अंदर अली जो इसमें जिक्र है, अल्लाह के सैकड़ों नाम हैं, इन नामों में एक नाम है अली, और ये अली इस्माइली मजहब के अंदर इस्मुल जिक्र है। हम अली को याद करते हैं, या अली मदद कहते हैं, उठते बैठते अली का विरद करते हैं, अली अली हक, अली हक, अली हक है, अली अली को याद करो, अली का विरद करो, आपके दिल के अंदर आपके बदन के अंदर ताकत पैदा हो जाएगी, क्योंकि अली के साथ कुव्वत और ताकत का संबंध है। तो सारा दिन किसी न किसी तरीके से इमाम को याद करते रहें, बदियों बुराइयों से बचते रहें। मोमिनों, मजहब ईमान यह है कि हमारी बदियां बुराइयां मिटती जाने, बढ़े नहीं बगर घटती जाने। झूठ बोलना अच्छा नहीं, शराब पीना गुनाह है, किसी का हसद करना गुनाह है, किसी को गाली देना गुनाह है, पराई औरत और पराए मर्द के ऊपर बुरी नजर डाल के अपने मन को खराब करना, जिसको हम बदनजरी कहते हैं, गुनाह है। किसी का हक खा जाना गुनाह है, किसी को प्रॉमिस दे के तोड़ देना गुनाह है, किसी को दगा देना, फरेब देना गुनाह है, किसी के ऊपर आरोप लगाना गुनाह है, खोटी गवाही देना गुनाह है, स्वार्थवृत्ति, अभिमान, निंदा, बदगोई, जो हमारी कौम में बहुत है निंदा बदगोई, तेरी मेरी बहुत है। किसी आदमी के विरुद्ध में हम खूब चर्चा करते रहते हैं और हमारे दिल में खुशी होती है कि मैंने उसका कुछ नाम लिया है। अगर जरा सी भी कोई आदमी की कोई भूल हो जाए या कोई उसको तकलीफ आ जाए और किसी को पता लग जाए, तो बाद आदमी के पेट में ये बात नहीं रहती जब तक के 10-20 को बोल रहे हैं, सुना वो फलाने को ऐसा हो गया, फलाने ने ऐसा किया, तो तेरे को क्या है उससे। मगर ये हमारी फितरत हो गई है, निंदा करते हैं, तेरी मेरी करते हैं, हसद करते हैं, बदगोई करते हैं। ये बदियां बुराइयां फिर हमको इबादत से दूर हटा देती हैं, मौला से दूर ले जाती हैं, रूहानियत मर जाती है या छुप जाती है हमारे अंदर शैतानियत पैदा हो जाती है, इविल स्पिरिट हमको पकड़ लेती हैं, डेविलिश आइडियाज पैदा हो जाते हैं, और फिर दुनिया की और भी बहुत सी बदियां बुराइयां हमारे मजहब में आ जाती हैं। ये रूहानी फैमिली है, ये जो जमात है हमारी दीनदारों, ये रूहानी फैमिली है। इसके अंदर शाह पीर हमारा माँ बाप है, और इस रूहानी फैमिली के अंदर अच्छाइयां होनी चाहिए, गैरों को देख के हमारे अंदर वो बदियां नहीं आनी चाहिए। यहाँ कनाडा की जमात में आज लगभग 20 बरस हुए, जमात बढ़ती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह, और भी बढ़ेगी, और भी बढ़ेगी। मैं कहा करता हूँ और मेरी दुआ भी है, मौला से मांगता रहता हूँ कि इंशाल्लाह 2000 सन तक नॉर्थ अमेरिका में 1,00,000 इस्माइली की जमात होगी। 65,000 के करीब तो हो गई है, बल्कि 70 के करीब हो गई है, ये कोई बड़ी बात नहीं। और दीनदारों, ये भी एक मेरे दिल की आवाज है, वो धनी जानता है बेहतर क्या सच है क्या नहीं, लेकिन मेरे दिल की एक आवाज है कि आज नहीं, कल नहीं,
ये जॉमे में नहीं तो किसी न किसी दूसरे जॉमे में फ्यूचर में कनाडा के अंदर हजर इमाम क्या रहान आएगा, जो आज एग्लेमो में रहता है ना, चाहे ये हजर इमाम आके रहे चाहे फ्यूचर कोई इमाम आके रहे, लेकिन इमाम का तख्त जो है वो कनाडा में आएगा। हमारी इधर की जमात के ऊपर भविष्य में फ्यूचर में बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, बहुत से हमें काम करने हैं, लेकिन हमारी रूहानी ताकत घटती जाती है। आज से हमारे 100-500 हजार बरस पहले हमारे बड़े बड़े दाइयों ने, हमारे लीडरों ने, इस्माइलियों ने जो महान काम किए उसके पीछे राज क्या था? उनकी रूहानी ताकत। रूहानी ताकत के बल के ऊपर उन्होंने वो काम किए कि जो गैर नहीं कर सके। आप कभी हिस्ट्री पढ़ो तो जितने भी मुसलमानों के अंदर लर्नड आदमी हुए हैं उनके अंदर मेजॉरिटी इस्माइलियों की रही, उनकी अपनी इस्माइली पने के हिसाब से, क्योंकि शिया सुनी सबको इकट्ठा करो और ग्रुप वाइज कभी आप ख्याल करो तो इस्माइलियों का नंबर हमेशा फर्स्ट रहा है, साइंस में भी, फिलोसॉफी में भी, हिसाब में भी, इलम में भी। इस्माइलियों ने बहुत बड़े बड़े काम किए और ये काम करने की तक फ्यूचर में हमको मिलेगी, जरूर मिलेगी। मगर आज हम इधर आके यहाँ की ये जो सोसाइटी है कि जिसमें से खुदा निकल गया है, ये जो क्रिश्चियन लोग हैं, नाम के क्रिश्चियन रह गए हैं, इन लोगों के अंदर मजहब के ऊपर अमल न करने के कारण से बहुत सी बदियां घुस गई हैं। इनके पादरी, इनके मिशनरी टीवी में और दूसरे प्रोग्रामों में आप देखो तो वो भी बेचारे चिल्लाते और रोते हैं और उनको बोलते हैं, समझाते भी हैं। उनकी बदियां हमको नहीं चाहिए, उनकी जिंदगी उनके साथ मुबारक, उनका कल्चर हमको लेने की कोई जरूरत नहीं। अपनी औलाद को, अपने बच्चों को सिखाओ कि हमारा कल्चर, हमारी प्रणाली का, हमारी ट्रेडिशंस जो है हमें उनके ऊपर चलना है। ये बात बराबर नहीं है कि हम इधर रह के उन लोगों की कॉपी करके शादी किए बगैर मियां बीवी के तौर के ऊपर रहते होंगे। हमारी जमात के अंदर ऐसे कुछ लोग हैं कि जिनको कॉमन लॉ मैरिज कहते हैं, निकाह के बगैर, सिविल मैरिज के बगैर दो लड़का लड़की आपस में दोस्त के तौर पे रहते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। हमारे इस्लाम में, हमारे इस्माइली तरीके में ये दोनों हराम है, हमारे लिए ये अच्छा नहीं। जुगाड़ खेलना, ड्रग पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना और इन चीजों के अंदर मस्त रहना हमारे मजहब में जायज नहीं। ये सिंगल पेरेंट्स जो है ये इन लोगों की टूट पटूट है, हमारी नहीं। हमारे मजहब के अंदर तो ये है कि मेरे मौला ने कहा है कि अगर कोई विधवा हो जाए और उसकी उम्र बहुत बड़ी नहीं हुई तो उसको जल्दी से मैरिज कर लेनी चाहिए। मुखी हसन लाल जी देवराज हिंदुस्तान के दरखाना के मुखी, उनकी एक बीवी गुजर गई, तभी मुखी साहब की उम्र लगभग 48 से 47 बरस की थी। उन्होंने दूसरी मैरिज की, कम नसीबे वो दूसरी मैरिज वो भी गुजर गई, उम्र बड़ी हो गई। तीसरी मैरिज की वो भी गुजर गई, मुखी 65 बरस के हो गए और इसने तय किया कि अब मैरिज नहीं करनी। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने तालिका भेजा जो जमात में पढ़ा गया, मैं मुखी को अर्ज करता हूँ कि वो शादी करे। अभी जाहिर में तालिका आया तो मुखी ने चौथी शादी की जो छोड़नी पड़ी और पांचवी शादी करके फिर गुजर गए। हमारे मजहब के अंदर रसूल अकरम को लो, नबी करीम ने अपनी उम्र की जो पहली जवानी में शादी की 25 बरस की उम्र में बीबी खदीजा के साथ, नबी उस वक्त कुंवारे थे, बीबी खदीजा दो दफा विधवा हो गई थी और 40 बरस की उम्र थी, यानी अपने से 15 बरस बड़ी थी। जब तक बीबी खदीजा रही, बीबी फातिमा की माँ, तब तक नबी ने कोई दूसरी शादी न की और जब ही वो गुजर गई तभी नबी करीम की उम्र 53 बरस की, 53 ईयर्स की थी। हुजूर ने इसके बाद 10 मैरिजेस की और सारी जिंदगी के अंदर सिर्फ एक ही लड़की कुंवारी थी बीबी खदीजा जिसके साथ शादी की, और हुजूर ने शादी वो भी अबू बकर के दबाने से की उनके बाप ने। लेकिन आप ख्याल करो कि रसूल अकरम ने 73 ईयर्स की उम सलमा के साथ शादी की, 73 बरस की उम्र की औरत के साथ नबी ने शादी की। शादी का मतलब कोई दुनिया की, आपको खुले तौर पे कह दूं कि कोई सेक्स की बात नहीं है, शादी के अंदर यूनियन है, साथी है, कंपनी है,
एक दूसरे के दुख में भागीदार बनने की बात है। कंपनी मिलती है, मानसिक कंपनी मिलती है, रूहानी कंपनी मिलती है, और शादी का यही मकसद है। अलबत्ता औलाद भी शादी का मकसद जरूर है ताकि नस्ल कायम रहे, लेकिन हकीकत में शादी का मेन मकसद जो होता है तो वो कंपनी होती है। दीनदारों, मैंने अपनी जिंदगी की बातें वाज में नहीं कही और मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि यह इमाम के वखान की जगह है, मेरी नहीं। लेकिन मैं आपको हजर इमाम के फरमान के अंदर रह के, जो बैतुल ख्याल में एक फरमान किया, माँ बाप एक दफा फरमान किया कि जो आदमी ने शादी नहीं की और शादी की नीयत नहीं है, उसको बैतुल ख्याल की इबादत के अंदर नूर नहीं मिलेगा। वो बख्शिश देना चाहे तो और बात है, लेकिन उसने कहा है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि शादी करने के बाद अगर वो आदमी सच्चा है, अपने रास्ते पे है, तो उसको इबादत में जो बख्शिशें मिलती हैं वो शादी से पहले नहीं। शादी सिर्फ दुनियादारी ही नहीं, शादी में दीनदारी है। लेकिन निकाह करो, मैरिज करो, ले भागने की बात नहीं। ये रावण ने किया था कि सीता को उठा के ले गया, वो आदमी के जो आदमी ने निकाह नहीं किया, मैरिज नहीं की, वो इस्माइली मजहब में नहीं है। अपने दिल को अच्छा बनाओ, अपनी आदतों को पाक बनाओ, अपने विचारों को पवित्र बनाओ। रूहानी इंसान हमें बनना चाहिए, हमारा मजहब रूहानी मजहब है। इसीलिए मैंने अर्ज की कि हम शरीयत से ऊंचे हैं, क्योंकि हम हर चीज को रूहानी नजर से देखते हैं। खाना खाते खाते भी हमको ये ख्याल रहता है कि मैं ये खाना खाऊं तो ऐसा तो नहीं कि सुबह में इसे इबादत नहीं होगी। वो खाना भी हमारे लिए जायज नहीं कि जिसके खाने से हमारी इबादत खराब होती होवे। डॉक्टर इकबाल कहता है, रूह को उसने एक बर्ड कहा है। हमारा जो रूह है वो आलम लाहूत से आया है, तो अपने रूह को कहता है तायर लाहूती, ए डिवाइन बर्ड, ऐसा रिज्क खा कि जिस रिज्क के खाने से तुझे ताकत मिले, लेकिन वो दाना न खा कि जिसके खाने से तेरे उड़ान में, तेरी फ्लाइट में तुझे वीकनेस लगे। वो खाने से मौत अच्छी, मर जाओ, मगर वो खाना के जो तुम्हारे रूह को खराब करे वो मत खाओ। सिर्फ खाने की बात ही नहीं, हमारी हर चीज मोमन, इस्माइली मोमन वो है कि जो अपनी रूहानियत के ही अजमत में ख्याल में रहता है। हजर इमाम के बैतुल ख्याल के फरमान सुनते रहो, मैं वो फरमाया आखिरत का ख्याल करो। ये बहुत छोटी है, ये बहुत टूकी है, ये शॉर्ट लिविंग है। असल हकीकत हमारी एटर्नल है, हमारा रूह जो है उधर जाएगा, एक दिन हमें मरना है। मोमन का ख्याल उस आकबत के भत्ते के लिए होता है। अपनी आखिरत की जिंदगी का, अपनी रूहानी जिंदगी का ख्याल करना चाहिए। उन गैर लोगों के साथ के जिनके पास मजहब नहीं, उन लोगों के पास के जिनके पास रूहानियत नहीं, उन लोगों के पास जिनके पास इमाम नहीं, उनकी यारी दोस्ती अच्छी नहीं। हाँ, बिजनेस करो, मिलो गिलो, सब सलामत करो, मगर उनकी दोस्ती अच्छी नहीं कि जिस दोस्ती की वजह से हमारा ईमान बिगड़ जाए। मौलाना हजर इमाम हमें तौफीक देवे कि हम अपने मजहब के ऊपर सच्चाई से चलें। मौला आप सब के ऊपर रहमतें उतारे, नेक उम्मीदें पूरी करे, गुनाहों से बचाए, गुनाह से बचने की ताकत देवे, बदियों बुराइयों से बचने की ताकत देवे, अपना वफादार और फरमान बरदार बनावे। मौलाना हजर इमाम दसवें सुकृत में पूरा रखे, इबादत बंदगी का शौक देवे, शैतान को हमसे दूर रखे, अच्छी आदतें देवे, भलाइयाँ देवे, नेकियाँ देवे, खुशियाँ देवे, आबादियाँ देवे, मन की शांति देवे, कुटुंब कबीले में सुख शांति मोहब्बत इत्तेफाक देवे, जमातों के अंदर सुखियाँ खुशियाँ देवे। दीन में दुनिया में सुखी रहो, आबाद रहो, आबाद रहो, बहुत आबाद रहो। जहर बातन दीदार नसीब करे। खाना वदान, खाना वदान।